We want justice. We want justice. Civilian king. Band karo. Civilian king. Band karo. Band karo. Civilian king. Band karo. Band karo. Civilian king. Band karo. Band karo. We want justice. We want justice. Chalo, mat dijiye. मुजफ्फर अहमद, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। मुजफ्फर साहब, ये मुझे बताइए, ये जो प्रोटेस्ट है किस बात पर है? देखिए जनाब, ये तो देर आयत दुरुस्त आयत की बात बनती है। अगर जब 90 से पहले किसी पंडित का कत्ल हुआ था, जब 90 में किसी मुसलमान का कत्ल हुआ था, काश इस कौम ने उसी वक्त इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया होता तो शायद आज इतनी मारामारी हमको देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमने ये सब चीज़ को खामोश रहकर, क्योंकि कहते हैं ना खामोशी ही इसका क्या कहते हैं, जब खामोशी इसका मतलब होता है कि ये राजी है इस चीज़ पर। लेकिन अब इंतहा हो गई है। हम नहीं चाहते हैं कि बेगुनाहों का कत्ल हो, हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का अमन दरहम बरहम हो, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी तरक्की में रुकावट बने। लेकिन जो लोग डिज़ाइनर हैं, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ सीना सिपर होकर आज खड़े हैं। हम नहीं होने देंगे। और सरकार से भी हमारी गुजारिश है, लोगों से भी हमारी गुजारिश है, हर फिरके से गुजारिश है कि वो इन अननोन लोगों को नून करें, ताकि आइंदा से किसी बेगुनाह का खून ना बहे। जो लोग कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं, उनको उनसे क्या कहना चाहते? सबसे बड़ी बुजदिली होगी जो अपना वतन छोड़कर भागते हैं। कश्मीरी ये मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, कश्मीर जो है ये एक टूरिस्ट प्लेस है। हमने बचपन से ही सीखा है लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, और हम बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनकी खिदमत करते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। लेकिन पंडित, सिख, जो भी हमारी दूसरी कम्युनिटी है, बागे तो वो ही नहीं है, बागे तो मुसलमान भी है, जिनको यहाँ जान का खतरा पड़ा वो भागे। लेकिन भागना किसी कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि डट के मुकाबला करना ही सोल्यूशन है। बस यही चाहते हैं हम यहाँ उनके भाई बैठे हैं, भाई उनके साथ कंधा कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम उनको भागने नहीं देंगे, बल्कि खुद उनकी सुरक्षा करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।